पाकिस्तान वो मुल्क है जो भारत के हर काम में अड़ंगे लगाता है। जम्मू कश्मीर में आतंक को लेकर दहशत फैलाना उसी की देन है। अब जब भारतीय सेना इस पाकिस्तानी आतंकियों को खोज खोज कर मार रही है तो पाकिस्तान के कलेजे पर साथ लौट रहा है, उससे रहा नहीं जा रहा। जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में दुनिया तरक्की देखेगी, लेकिन पाकिस्तान की आंखों से ये तरक्की अभी से नहीं देखी जा रही। ये वही पाकिस्तान है जो गवादर में चीन के लिए अपने आप को बेच दिया है और अपने ही लोगों की आवाज़ें उसकी कानों तक नहीं पहुंच पा रही। वो बेसुरा हो गया है। ग्वादर के लोग अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं तो पाकिस्तान की सरकार और आर्मी मिलकर उन्हें ये करने से रोक रही है ताकि चीन के तलवे चाट सके। बलूचिस्तान के लोग आज अपने हक मांग कर रहे हैं जो पाकिस्तान को नहीं दिखती। पीओके में लोगों की हालत बदतर होती जा रही है, लेकिन राजनीति के नाम पर पाकिस्तान के पंख फड़फड़ा उठते हैं। पाकिस्तान अब जो चाल चल रहा है वो उसे भारी पड़ने वाला है। पीओके में चुनाव के पीछे पाकिस्तान की बड़ी साजिश है। इसके साथ वो आजाद कश्मीर का प्रोपेगेंडा चला रहा है। ये सब करने से पहले पाकिस्तान को अपने यहाँ के लोगों के हालात देख लेना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष सरदार तनवीर इलायस को सोमवार को पीओके का प्रधानमंत्री चुन लिया गया है। हाल ही में सत्ता से बेदखल होने वाले इमरान खान ने ही इलियास का नाम आगे किया था। इससे पहले सरदार अब्दुल खयाम नियाजी को पार्टी में विद्रोह के बाद इस्तीफा देना पड़ा था। पाकिस्तान पीओके में फेडरल इलेक्शन कराता है। यह एक सुप्रीम कोर्ट और एक हाई कोर्ट भी है। अब सवाल यह है कि अगर पीओके में यह सब है और इस पर पाकिस्तान का कब्जा बताया जाता है तो आखिर ये संस्थान अलग क्यों है। बंटवारे के बाद जम्मू कश्मीर में जब सीज फायर लाइन बनी तब इसका 65% क्षेत्र भारत के पास रहा और 35% पाकिस्तान में चला गया। इसी को पीओके नाम से जाना गया। 1949 कराची समझौते के दौरान पीओके के नेताओं ने उत्तरी इलाकों को पाकिस्तान को सौंप दिया और 1963 आते आते पाकिस्तान ने लद्दाख के बड़े क्षेत्र को चीन को सौंप दिया। भारत हमेशा पीओके में होने वाले चुनावों को खारिज किया गया है। भारत का कहना है कि इसके जरिए पाकिस्तान मानवाधिकारों के उल्लंघन और गैर कानूनी कब्जे को दबाने की कोशिश करता है। भारत का कहना है कि पाकिस्तान का इस क्षेत्र पर कोई अधिकार नहीं है और इसे खाली कर देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।